राधे भक्तों, तो मैं मंदिर के लाला के लिए पोशाक लेके आई थी जन्माष्टमी के अवसर पे, लेकिन वो पोशाक लाला ने जन्माष्टमी पे ना धारण करके उन्होंने नंदोत्सव पे धारण करी थी, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए ऑलरेडी उनकी पोशाक मंदिर की तरफ से आ रखी थी। तो उन्होंने नंदोत्सव पे मेरी पोशाक धारण कराई थी लाला को। तो आप देखो, लाला पोशाक धारण करने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं और मैं क्या क्या सामान उनके लिए लेके आई थी। सबसे पहले मैं उनके लिए लेके आई थी ये येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि जन्माष्टमी पे ज़्यादातर येलो पहनते हैं और येलो पहनना बहुत शुभ भी माना जाता है। तो मैं ये येलो कलर की मल्टी कलर के फ्लावर्स के साथ पोशाक लेके आई थी। ये देखिए, खोल के मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। ये ड्रेस काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसके साथ में मैं ये मैचिंग येलो पगड़ी लेके आई थी। फिर ये हार मैंने काफ़ी पहले से लेके रखा था, तो ये मेरे पास था, तो ये एक हार लेके आई थी मैं। उसके बाद में मैं लेके आई थी कड़े, और मैंने कोशिश करी है कि मैं जो भी सामान लाऊँ मल्टी कलर में लाऊँ। ये कड़े खुल गए, आप देखिए इसमें मल्टी कलर के स्टोन्स हैं बीच में और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये कड़े। काफ़ी डिफरेंट कलर्स इसमें आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत प्यारे लग रहे थे ये। दोबारा आप देखिए दूसरा, ये सब के मल्टी कलर के स्टोन्स हैं अलग अलग कलर्स के, जो ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जा रहे हैं। मैं ड्रेस के साथ कंट्रास्ट करना चाहती थी ज्वेलरी, तो मैं सारी ज्वेलरी कंट्रास्ट करके ही लाई थी। नेक्स्ट मैं उनके लिए लेके आई थी बहुत सुंदर सी मोर डिज़ाइन की बांसुरी, और फिर उसके साथ में ये कलंगी और इत्र भी मैं साथ में लाई थी, गुलाब का इत्र लाई थी। और ये कुंडल लेके आई थी, स्टोन्स में है ये। मैं जन्माष्टमी से 3-4 दिन पहले सारा सामान दे के आई थी। ये तब की क्लिप है। अब आप लाला को देखो, नंदोत्सव पे 12 बजे उन्होंने श्रृंगार किया था लाला का जब अभिषेक के बाद में, तो ये ड्रेस धारण कराई थी। और लाला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे को तो ये ड्रेस धारण करने के बाद में। अभी मैं आगे क्लिप करके कॉलाज में भी डालती हूँ फोटोज़, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।